तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हम लोग पढ़ रहे थे ईयर। आज का मोटिवेशनल कोट है क्या? टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन अपनी कहानी खुद ही लिखना। नहीं समझे? समझ में आया कुछ? मतलब टाइम तो लगता ही है किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हो, लेकिन खुद से ही करना। होता क्या है, डॉक्टर बनना है तो खुद से ही बनना है, ये नहीं कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले गए डोनेशन दे करके। कोई फायदा नहीं होता उससे, क्योंकि फिर बच्चा सीख नहीं पाता कुछ, फिर वो सप्ली लगती है। सप्ली जानते हो ना आप क्या होता है? फेल होना, फेल होना, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, है ना। हम लोग कर रहे थे ईयर, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ईयर में कितने भाग होते हैं? तीन। सबसे पहले होता है एक्सटर्नल ईयर, ये वाला है एक्सटर्नल ईयर, ये जो मस्टर्ड कलर का दिख रहा है या ब्राउन कलर आप बोल सकते हो, वो होगा आपका आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला पार्ट जो वाइन कलर का है, दिस इज नोन एज मिडिल ईयर। और उसके बाद आपको स्काई ब्लू कलर का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, दिस वन इज नोन एज इंटरनल या इनर ईयर। तो कितने भाग होते हैं? तीन। सबसे पहला आउटर या एक्सटर्नल ईयर, फिर उसके बाद मिडिल ईयर, और फिर उसके बाद इंटरनल या इनर ईयर। जो आउटर ईयर है उसका, उसमें दो भाग होते हैं। एक होता है ये ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, ये कान का भाग, ये क्या कहलाता है? ईयर पिन्ना। और मैंने बोला था ईयर पिन्ना स्तनधारियों का यानी मैमल्स का लक्षण है। हम लोग मैमल है कि नहीं है? मैमल के तीन करेक्टर जो बाहर से आसानी से देखे जा सकते हैं। पहला, मैमल का नाम क्यों पड़ा? मेमोरी ग्लैंड। दूसरा, उसपे बाल। तीसरा, ईयर पिन्ना। इसका मतलब तीन करेक्टर मैमल के आसानी से विजुलाइज हो सकते हैं, एक उनमें से है ईयर पिन्ना, राइट। तो ईयर पिन्ना और कान की नली यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ये दो चीजें आएंगी किसमें? एक्सटर्नल ईयर में। बताइए एक्सटर्नल ईयर में कितनी चीजें आएंगी? दो चीजें, पहला और दूसरा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस यानी कान का, कान की नली, राइट। अभी कान की नली फिनिश कहां पे होती है? कान की नली फिनिश होती है कहां पे? एक पर्दे पे। और ये वही है कान का पर्दा, ये कान का पर्दा है। कान के पर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, या फिर बायोलॉजी की भाषा में उसे बोलते हैं टिम्पैनम। बताइए क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। बताइए ईयर ड्रम का दूसरा नाम या तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम या ईयर ड्रम, ठीक है ना। तीन नाम इसके दिए जाते हैं। और मैंने बताया था कि इसके बाहर की तरफ, इस तरफ, बाहर की तरफ मतलब इस तरफ, जैसे कान ऐसे दिखाया गया है तो बाहर की तरफ ये, और अंदर की तरफ यानी मिडिल ईयर की तरफ, तो बाहर की तरफ स्किन होती है और अंदर की तरफ क्या होता है? म्यूकस कोट। अंदर म्यूकस कोट होता है, बाहर त्वचा होती है, और ये बना होता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है ना। अब उसके बाद मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में पहुंच गए तो मिडिल ईयर में तीन हड्डियां होती हैं। फार्मूला बनाया था मिस, MIS, मैलियस इनकस स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपीज। कान की सबसे बड़ी हड्डी का नाम मैलियस, कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम, अच्छा, और सिर्फ कान की सबसे छोटी नहीं है बल्कि बॉडी की भी सबसे छोटी है। पहली है मैलियस, दूसरी है इनकस, तीसरी है स्टेपीज। तो कान की सबसे छोटी है कि बॉडी की सबसे छोटी है कि दोनों की? तो दोनों की सबसे छोटी, राइट। उसके बाद बताया गया तीनों चेन लाइक फैशन में जुड़ी होती है, तीनों चेन लाइक फैशन में जुड़ी हुई है। मैलियस जो है वो इस कान के पर्दे पर जुड़ा हुआ है, और जो स्टेपीज है वो ओवल विंडो से जुड़ी हुई है। बताइए इंटरनल ईयर में कितने विंडो होते हैं? दो। इंटरनल ईयर में कितने विंडो होते हैं? एक होता है गोल और एक होता है ओवल। गोल यानी राउंडेड और ओवल अंडाकार। तो जो ऊपर वाला होता है वो ओवल विंडो होता है, देखो, और जो नीचे वाला होता है वो राउंडेड विंडो होता है। अब बताओ स्टेपीज कहां पे जुड़ी हुई है? ये स्टेपीज हड्डी है, ये ओवल विंडो पे जुड़ी रहती है, और ओवल विंडो के नीचे राउंड विंडो। समझ में आई बात? तो बताओ मिडिल ईयर में कितनी हड्डियां होती हैं? फार्मूला क्या था? मैलियस इनकस स्टेपीज।
कान की सबसे छोटी हड्डी, बॉडी की भी सबसे छोटी हड्डी, तीनों किस फैशन में जुड़ी रहती है, चेन लाइक फैशन में, और काम क्या है इनका, साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देना। साउंड वेव को एम्पलीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक होता है एक शब्द आता है बाधा डालना, इंग्लिश में बोलते हैं इंपीड, इंपीडेंस, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जब वेव पढ़ोगे साउंड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंपीड, इंपीडेंस या इंपीड वर्ड आता है, इसका मतलब होता है बाधा डालना। बताओ हवा में साउंड वेव है कि नहीं है, साउंड वेव हवा से यहां आ रही है, कान के पर्दे पे टकराएंगी, तो अभी जो साउंड वेव थी वो एयर में थी, लेकिन अब जो है वो देखो अब अंदर जब जाएगी यहां जाएगी तो यहां एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। क्या भरा होता है, लिक्विड का नाम क्या है, लिम्फ। अब बताओ एयर से साउंड वेव कहां पहुंच गई, लिक्विड में, लिक्विड में। बताओ एयर में ज्यादा इंपीडेंस होता है या फिर लिक्विड में ज्यादा इंपीडेंस होता है, हिंदी में सुनो, हिंदी में सुनो, एयर में ज्यादा बाधा आएगी चलने में कि लिक्विड में ज्यादा बाधा आएगी चलने में, लिक्विड में ज्यादा बाधा आएगी, मतलब यहां जब साउंड वेव आ रही है तो आराम से चली आई, लेकिन जब यहां अंदर घुसेगी तो उसको बहुत दिक्कत करनी, दिक्कत महसूस होगी। इसकी इंटेंसिटी अगर यहां 100 गुना है तो वहां पे मैं मान लेता हूं, एक मिनट के लिए मान लूं, एक समझाने के लिए एग्जांपल ले लूं कि 10 गुना रह गई, यानी 90% लॉस हो गया, समझ रहे आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये लॉस हो जाएगा तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये हड्डियां क्या करती है, इसको फिर से ये जो बाधा आ रही है इस बाधा को कम करने के लिए ये क्या करती है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव कर देती है, क्या कर देती है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव को क्या करती है, बढ़ा देती है। साउंड वेव को बढ़ा देंगी तो जो यहाँ लॉस होने वाला है वो लॉस नलीफाई हो जाएगा, वो लॉस न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है, कन्फर्म है कि नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लो, बताओ हवा यहाँ, हवा में साउंड चल रही है और यहां कहां चलेगी, लिम्फ में, तो बाधा कहां ज्यादा आएगी, तो यहां पे मान लो 100 गुना है इंटेंसिटी, यहां 10 गुना रह जाएगी, इसलिए इस तरह से हमें तो सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं 100 गुना ही इंटेंसिटी आए, जितनी तेज से आवाज बोली गई उतनी तेज सुनाई पड़नी चाहिए ना, कि कम सुनाई पड़नी चाहिए, उतनी ना। तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं इसको न्यूट्रल करने के लिए ये हड्डियां होती हैं, और इन्हीं हड्डी का नाम है मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ये साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देती है, ताकि जो यहाँ इम्पीडेंस यहाँ कम है और यहाँ इम्पीडेंस ज्यादा है, यानी यहाँ बाधा कम है यहाँ ज्यादा है, वो नलीफाई हो सके, राइट। इतनी बात क्लियर है, जल्दी जल्दी एक बार बताओ जरा, व्हाट इज द रोल ऑफ ईयर पिन्ना, रिसीविंग द साउंड वेव फ्रॉम द सराउंडिंग, रिसीविंग द साउंड वेव फ्रॉम द सराउंडिंग, बताओ। फिर उसके बाद इस ट्यूब में ले आएगी, इस ट्यूब का नाम क्या है, ईयर ट्यूब या ईयर कैनाल या EAM, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। ये ट्यूब कहां पे एंड हो रही है, कान के पर्दे पे, कान के पर्दे, कान का पर्दा वाइब्रेट होगा, कान का पर्दा जब वाइब्रेट होगा तो अब क्या होगा, आगे यहाँ पे मीडियम बदल रहा है, अभी तक साउंड वेव कहाँ आ रही थी और अब आगे कहाँ जानी है, तो इस लॉस को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या है, तीन हड्डियां पाई गई, ये क्या करती है, ये साउंड वेव को इंक्रीज कर देती है, साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देती है, ताकि जो आगे इंपीडेंस आ रहा है वो नलीफाई हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, उसका हमारे सुनने पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसीलिए ये हड्डियां ने एम्पलीफिकेशन कर दिया। बताओ कितनी हड्डियां हैं, पहली, बीच वाली, आखिरी वाली, मैलियस किससे जुड़ी हुई है, अच्छा स्टेपीज किससे जुड़ा हुआ है, ओवल विंडो के नीचे वाला विंडो, अच्छा उसके बाद बताओ ये ओवल विंडो एंड राउंड विंडो इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर में भी इसके पार्ट है, ये जो गोल गोल घूम रहा है कॉइल पार्ट के, और कॉइल पार्ट का नाम होता है कॉकलिया, बोलो एक बार जरा, क्या नाम होता है, और कॉकलिया इज नोन एज हियरिंग एपरेटस, कॉकलिया को क्या कहते हैं, हियरिंग एपरेटस, कॉकलिया इज नोन एज हियरिंग एपरेटस, और ये ऊपर देखो, देखो नीचे तो हियरिंग एपरेटस है और ऊपर देखो इंटरनल ईयर में वेस्टिबुलर एपरेटस है, क्या नाम है, वेस्टिबुलर एपरेटस, अभी मैं दिखाऊंगा वेस्टिबुलर एपरेटस। बताओ इंटरनल ईयर में भी दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग वेस्टिबुलर एपरेटस, नीचे वाला भाग कॉकलिया। बताओ इसका काम पता है क्या है, हमारे कान का प्राइमरी काम होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स पोस्चर,
आपका बॉडी का बैलेंस करना और आपके पॉस्चर को मेंटेन करना। पॉस्चर यानी आप कभी सीधे बैठते हो, कभी टेढ़े, कभी वो, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है? ये ईयर मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, सेकेंडरी काम क्या होता है? सेकेंडरी काम है हियरिंग। क्लियर हो गई बात? तो इंटरनल ईयर में कितने अपरेटस है? ऊपर वाला अपरेटस का नाम और नीचे वाले का नाम। कॉकलिया में कितनी विंडो है? ऊपर वाली, नीचे वाली। स्टेपीज जो है किससे जुड़ा हुआ है? ओवल विंडो से जुड़ा हुआ है, राइट। अच्छा, राउंड विंडो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। राउंड विंडो फ्री है। अब इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा बताओ, सुनने का काम और बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है? एक्सटर्नल ईयर, आई मीन टू से क्या, मिडिल ईयर या इंटरनल ईयर? तो बताओ हमारे काम की चीज कौन सी है? इंटरनल ईयर। और जो चीज जितनी नाजुक होती है, जो चीज जितनी सोफेस्टिकेटेड और काम की होती है, उसको उतना ज्यादा संभाल के रखा जाता है। बोलो सही है कि नहीं है, कन्फर्म है कि नहीं है? उसको उतना ज्यादा संभाल के रखते हैं। हीरा ज्यादा तिजोरी में संभाल के रखेंगे या वो लोहे का सिक्का? हीरा, क्योंकि हीरा कीमती है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वर्थ ज्यादा है, इसीलिए उसे आराम से संभाल के रखना पड़ेगा। अब इसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है कि इनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है? देखो ये किसका बना था? इलास्टिक कार्टिलेज, कोई दिक्कत नहीं, मोड़ो तोड़ो कुछ नहीं, अपनी जगह वापस, फ्लेक्सिबल था। यहां तीन हड्डियां थी ताकि एम्प्लीफिकेशन हो जाए। ये है बहुत नाजुक और बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत काम का भाग। और इसको इसको पहले हड्डी से कवर करते हैं। किससे कवर करते हैं? हड्डी से कवर करते हैं, हड्डी की चेन से कवर करते हैं। हड्डियों की बहुत सारी चेन होती है, आपस में जुड़ जाती है और पूरा इसको कवर कर लेती है। बताओ उसका नाम क्या होता है? बोनी लेबरिंथ। क्या नाम होता है? बोनी लेबरिंथ, ठीक है ना। अब हमारा सारा फोकस कहां पे है? इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर में हड्डी की कवरिंग है, ये देखो पूरी हड्डी की कवरिंग है, ये हड्डी हड्डी है पूरी। हड्डियों की कवरिंग का नाम क्या होता है जरा बताओ? बोनी लेबरिंथ, बोल के बताओ, बोनी लेबरिंथ। बताइए हमारे इंटरनल ईयर के बाहर की तरफ किसकी कवरिंग है? हड्डियों के चेन की, इसका नाम बोनी लेबरिंथ। के अंदर क्या? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है कि मेम्ब्रेनस के अंदर बोनी लेबरिंथ है? बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, बताया था ना आपको। अच्छा, आप बोनी लेबरिंथ बाहर, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ अंदर, दोनों के बीच में एक फ्लूड भरा हुआ है। बाहर और अंदर वाले के बीच में एक फ्लूड भरा हुआ है। फ्लूड का नाम था पेरिलिम्फ। ये सब रिविजन चल रहा है। फ्लूड का नाम था पेरिलिम्फ, ठीक है ना। और पहले बोनी लेबरिंथ, अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, दोनों के बीच में फ्लूड कौन सा भरा हुआ है? फिर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर भी एक फ्लूड भरा हुआ है, वो एंडोलिम्फ। समझ में आ गई बात? अब उस एंडोलिम्फ के और पेरिलिम्फ का ही ये पूरा मॉडिफिकेशन है। पूरा मॉडिफिकेशन किसका था? बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। और दो तरह के फ्लूड भरे हुए हैं, पहला, दूसरा, ठीक है ना। चलो एक बार हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं फिर से क्लियर करता चल रहा हूं, ठीक है।
ये हो गया क्लियर। ये आपको ये दिख रहा है, ये चीज, ये इस तरीके का कुछ होता है हमारा इंटरनल ईयर। अब इंटरनल ईयर में क्या होता है, ये हमने मान लिया कि ये है बोनी लेबरिंथ, ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ मान लिया, हम इसको नाम दे दे रहे हैं क्या, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। और चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ बोनी लेबरिंथ होगा, बोलो, ये वाला है बोनी लेबरिंथ। बताओ बोनी लेबरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है कि मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर बोनी लेबरिंथ है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। बोनी लेबरिंथ हड्डियों के चेन का बना है, नहीं बना है, बना है ना, और अंदर की तरफ क्या है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। लेबरिंथ इंटरनल ईयर के लिए एक वर्ड दे दिया गया है। अच्छा अब आप बाहर, बाहर वाले के यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है चारों तरफ, व्हाट इज दिस, मैंने इसको लिम्फ बोला था ना, ऐसा लिम्फ जो चारों तरफ भरा हो उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ क्या, एंडोलिम्फ। हाँ तो दिस इज पेरिलिम्फ, यहाँ पे भरा होता है पेरिलिम्फ, फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, राइट। अच्छा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे कौन सा भरा हुआ है, यहाँ पे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पीला पीला, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एंडोलिम्फ। तो दो तरह के फ्लूइड भरे हुए हैं, एक येलो वाला और एक पिंक वाला, यहां लिख देते हैं फिल्ड विद एंडोलिम्फ, फिल्ड विद एंडोलिम्फ। तो पहले बाहर क्या है, बोनी लेबरिंथ, अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है और इसके अंदर कौन सा भरा हुआ है, तो बताओ ये वाले फ्लूइड का नाम और ये वाले फ्लूइड का नाम, और दोनों फ्लूइड आपस में कभी मिक्स नहीं होते, दोनों फ्लूइड आपस में कभी मिक्स नहीं होते, और लिम्फ की तरह चिपचिपे होते हैं और कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए नाम पड़ा लिम्फ, राइट। लिम्फ आपने पढ़ा होगा, ब्लड का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, यहां तक सभी को क्लियर। अब जरा सोचो, इसमें दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है, अभी मैंने बताया था आपको, कौन से दो पार्ट है, यहां से ऊपर वाला पार्ट और यहां से नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला कॉइल्ड पार्ट है, ऊपर वाला इस तरीके का पार्ट है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हैं, अभी बताया था, दिस इज नोन एज वेस्टिबुलर एपरेटस, और ये प्राइमरी रोल करता है, प्राइमरी रोल क्या है ईयर का, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, प्राइमरी रोल कौन करता है, ऊपर वाला बैलेंस, वेस्टिबुलर एपरेटस। और वेस्टिबुलर एपरेटस में भी दो भाग होते हैं, ये देखो ये वाला सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, देखो सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, तो सेमी और सर्कल है ना, सर्कल, आधा सर्कल वाली कैनाल, कैनाल मतलब अंदर की ट्यूब, तो देखो कितनी ट्यूब है जरा देख के बताओ, तीन, तो सेमी सर्कुलर कैनाल तीन होते हैं, तीनों एक दूसरे के कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री, दैट मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इतनी बातें क्लियर। और इनका ये हिस्सा हमेशा फूला रहता है, जब ये निकलते हैं और जब ये अंदर आते हैं, देखो हल्का हल्का फूला फूला बनाया गया है, इनको बोलते हैं एम्पुला, और इनके अंदर सेंसरी सेल जिनमें सेंसरी हेयर लगे होते हैं वो पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस। ये सब पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये आज अच्छे से खत्म हो जाए ताकि, तो क्रिस्टा एम्पुलरिस,
तो पहला भाग क्या आता है बताओ, वेस्टिबुलर एपरेटस का पहला भाग क्या कहलाता है? सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल के जो ये एंड्स है जो फूल गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फूले हुए एंड्स को हमेशा एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला के अंदर कुछ सेंसरी सेल है, सेंसरी सेल मतलब वो संवेदनाओं को रिसीव करेंगी, उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते हैं बोलो क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस। कितनी बातें क्लियर है? चलो एक भाग तो हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, और दूसरा भाग ये है, ये गोला और ये गोला। ऊपर वाले गोले को बोलते हैं यूटिकल और नीचे वाले को बोलते हैं सेक्यूल, और दोनों को मिला के बोलते हैं ऑटोलिथ। क्या बोलते हैं? ऑटोलिथ, या तो ऑटोलिथ एपरेटस बोल देते हैं, एनसीईआरटी ने ऑटोलिथ लिखा है, ठीक है ना। बताओ हमारे इंटरनल ईयर में कितने भाग दिख रहे हैं? दो भाग दिख रहे हैं ना। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? और नीचे वाला ये कॉइल्ड वाला पोर्शन, कॉइल्ड वाला पोर्शन है कॉक्लिया, और कॉक्लिया सेकेंडरी रोल करता है। सेकेंडरी रोल क्या है? बैलेंसिंग की हियरिंग, बैलेंसिंग की हियरिंग। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बताओ इंटरनल ईयर में बाहर क्या हड्डी होती है कि मेम्ब्रेन? हड्डी होती है ना। नाम क्या है इस पूरे स्ट्रक्चर का? मोरी लैब्रिन, और अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिन। बाहर वाले में कौन सा फ्लूड भरा है? पेरिलिम। अंदर वाले में कौन सा भरा है? और इस पूरे सिस्टम में कुल कितने भाग होते हैं? दो। पहला, और ये क्या करता है? प्राइमरी रोल। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ईयर? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ठीक है ना, एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर। अच्छा दूसरा भाग क्या होता है? कॉकलिया। हमने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न? वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस में कितने भाग होते हैं? पहला और दूसरा। और सेमी सर्कुलर कैनाल कितने होते हैं नंबर में? तीन, तीन होते हैं, और तीनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर है? और इनकी जो स्वेलिंग, इनके जो एंड्स होते हैं, जो सोलन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एम्पुला में जो सेंसरी सेल होती है विद सेंसरी एयर, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टा एम्पुलरिस। इतनी बात यहां तक क्लियर है? दूसरा भाग क्या कहलाता है? ऑटोलिथ। ऑटोलिथ में कितने भाग होते हैं? यूट्रिकल और, यूट्रिकल और सेक्यूल, ठीक है ना। और इनका काम आपको पता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस का काम पता है आपको? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? और इसका काम हमें अभी नहीं पता है। काम पता है मतलब इसका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, तो आज हम लोग डिटेल करेंगे किसका? कॉकलिया का डिटेल करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। हेडिंग क्या है? कॉकलिया। अब देख देख के बताना जरा, अभी आपने पढ़ा तो ही है, बताना जरा। देख अभी फिगर देखा था ना, बताना ये वेस्टिबुलर एपरेटस के ऊपर होता है कि नीचे? हाँ ये होता है प्रेजेंट बिलो द वेस्टिबुलर एपरेटस। बोलो सही है? इधर देखो, फिर से देखो, ये वेस्टिबुलर एपरेटस के नीचे होता है कि ऊपर? नीचे। क्वाइल्ड है कि स्ट्रेट? क्वाइल्ड है कि स्ट्रेट? हाँ, तो दिस इज क्वाइल्ड पार्ट, दिस इज क्वाइल्ड पार्ट। किसका मॉडिफिकेशन है? इधर देखो जरा, बोनी लैब्रिंथ का कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का कि दोनों का? दोनों का मिलके, है ना, लिख रहा हूं। ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, तो ये बोनी और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे
अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इधर देखो क्वाइल था ना, तो क्वाइल होता है, देखो ये बाहर बोनी लेबरिंथ था कि नहीं था, बोलो भाई बोनी लेबरिंथ। यहां कौन सा लिक्विड होगा अब आप बताओगे, पेरिलिंफ होगा ना, बिल्कुल देखो रटना नहीं है, तो यहां पे जो लिक्विड है वो पेरिलिंफ है, हमको अच्छे से पता है अभी। अच्छा ये बताओ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है कि नहीं है, तो ये है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या होगा, क्या है ये, हाँ एंडोलिम्फ, यहां लिख देता हूं एंडोलिम्फ, कोई डाउट। अब मैंने आपको कुछ देर पहले ओवल विंडो और राउंड विंडो का नाम लिया था, ये देखो यहां पे आती है ओवल विंडो, ये है ओवल विंडो, ऊपर थी कि नीचे थी, और ये क्या है राउंड विंडो। और अगर आपको याद हो तो यहीं से कौन सी हड्डी जुड़ी थी, स्टेपीज, यहीं से स्टेपीज हड्डी जुड़ी होती है, राइट यहीं से स्टेपीज बोन जुड़ी होती है, इज दैट क्लियर। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे दो मेम्ब्रेन होती है, देखो अगर हम इसको ऐसे मान लें, यहां तीन चैम्बर दिख रहे हैं, अगर आपको आपको ध्यान से देखो तो तीन चैम्बर बन गए, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, अपर चैम्बर, मिडिल चैम्बर, लोअर चैम्बर। बोर्ड पे देखिए, अपर चैम्बर, मिडिल चैम्बर, लोअर चैम्बर, और अपर और लोअर चैम्बर जुड़े हुए हैं, देख लो सही है कि नहीं। इनको नाम देने से पहले ये जरा मेम्ब्रेन का नाम देख लें, अगर ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है तो मेम्ब्रेन की बनी होगी, ऑब्वियसली मेम्ब्रेन की बनी होगी, भाई बताओ। तो इस मेम्ब्रेन का कोई नाम होगा और इस मेम्ब्रेन का भी कोई नाम होगा, मानते हो, इस मेम्ब्रेन का नाम है, कोई चीज अगर ऊपर है ना, ऊपर को क्या बोला, हम बोले इसका नाम बताओ, ये छत का नाम, छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूफ, और नीचे वाले को बेस, बोलो बेसमेंट सुना होगा, बेस, तो ये इसका नाम आर से स्टार्ट होगा क्योंकि रूफ पे है, और नाम है रीजनर्स मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है ना, रीजनर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया रीजनर्स मेम्ब्रेन। अच्छा ये बेसिलर मेम्ब्रेन है क्योंकि बेस पर है, इज दैट क्लियर, कितनी बातें क्लियर है हम लोगों को। अब इन चैम्बर को नाम दे देते हैं, टोटल कितने चैम्बर थे, तो अब इन चैम्बर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं, राइट। ये ऊपर वाला जो चैम्बर है इसको हम एक नंबर लिख देते हैं, ये बीच वाला है दो नंबर लिख देते हैं, और ये तीन वाला है तीन नंबर लिख देते हैं, राइट। तो मैं नीचे यहां पे लिख देता हूं, एक नंबर यानी एक नंबर वाला चैम्बर है स्केला, स्केला वेस्टिबुली, क्योंकि ऊपर ऊपर वाले चैम्बर के लिए क्या बोला जाता है, वेस्टिबुली, वेस्टिबुली याद करो, वेस्टिबुलर एपरेटस, ऊपर था कि नीचे था, ऊपर था ना, इसीलिए स्केला वेस्टिबुली, राइट। उसके बाद दूसरा चैम्बर बीच में है ना, तो क्या नाम दिया जाएगा, स्केला मीडिया,
इसके अलावा मीडिया, तीसरा वाला चैम्बर जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसके अलावा टिम्पैनी, इसके अलावा टिम्पैनी, तो इसके अलावा टिम्पैनी, तो टोटल कितने चैम्बर दिख रहे हैं? तीन चैम्बर दिख रहे हैं। सबसे ऊपर वाले का नाम बताइए, ठीक है ना, बीच वाले का नाम बताइए और सबसे नीचे वाले का नाम बताइए, तो टोटल तीन चैम्बर हो गए। जल्दी से ना इसका नाम बताइए, इसके अलावा वेस्टिबुली, इसके अलावा, इसके अलावा टिम्पैनी, इज दैट क्लियर। इसमें कौन सा फ्लूड भरा हुआ है? पेरिलिम्ब। इसमें कौन सा भरा हुआ है? एंडोलिम्ब। इसमें भी कौन सा भरा हुआ है? पेरिलिम्ब। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब चलो, यहां पे हमारा हियरिंग एपरेटस होता है, हियरिंग एपरेटस, और हियरिंग एपरेटस को किसी ना किसी साइंटिस्ट ने खोजा होगा, तो कॉर्टी नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, सुना है कभी कॉर्टी, ठीक है ना, तो नाम पड़ा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यहां होता है हियरिंग एपरेटस, यहां क्या होता है, ऐसे मैं बना दूं, यहां होता है हियरिंग एपरेटस, दिस इज हियरिंग एपरेटस, और इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। किस व्यक्ति ने खोजा था? कॉर्टी, तो नाम पड़ गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, क्लियर, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ही हमारा क्या होता है? हियरिंग एपरेटस, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, राइट, तो दिस इज हियरिंग एपरेटस। और इसके लिए एक फार्मूला है, हमने दिल्ली से टॉर्च मंगाया, और चमकाया, क्या फार्मूला है, हमने दिल्ली से टॉर्च मंगाया और चमकाया, सही है ना, हमने दिल्ली से टॉर्च मंगाया और चमकाया, टॉर्च तो चमकाने की चीज है, राइट। तो इसमें क्या क्या होती है, इसमें होती है हैंसन सेल, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आप याद कर लो, क्या दिक्कत है, हैंसन सेल, इसमें होती है डीटर सेल, हैंसन सेल और डीटर सेल कैसी सेल है, ऑब्वियसली ऐसी सेल है, एस से क्या याद रहेगा, सपोर्टिंग, ये दोनों कैसी सेल है, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है ना। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, इसका मतलब होगा हो जाएगा टेक्टोरियल, इसका मतलब मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये थिन और इलास्टिक होती है, पतली और लचीली, तभी तो हवा के वो जो साउंड वेव्स आएंगी उससे ये हिलेगी डुलेंगी, रिपल प्रोड्यूस होगा, तभी तो क्या होगा, संवेदना जाएगी नर्व में, अभी अभी बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो थिन और इलास्टिक, बताओ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन का नाम, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन का नाम, राइट, ठीक है ना। और चमकाया से ये रहेगा, और से याद रहेगा ऑर्गन ऑफ, और चमकाया से कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, मतलब ये सारी सेल पाई जाती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में पाई जाती है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहां प्रेजेंट होता है याद करो, बेसलर मेम्ब्रेन पे टिका था कि रीजनर मेम्ब्रेन पे टिका था, बेसलर के रीजनर, हाँ, तो इट इज प्रेजेंट ऑन बेसलर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन बेसलर मेम्ब्रेन। और यहां पर एक स्पेशल सेल भी होती है, वो मैं अलग से बता रहा हूं, यहां पर एक होती है सेंसरी सेल विद सेंसरी हेयर, सेंसरी हेयर्स, सेंसरी सेल होती है विद सेंसरी हेयर्स, ठीक है ना। और यहां पे जो हेयर होते हैं ना वो थोड़े टाइट होते हैं, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया बोलते हैं उन्हें,
स्टीरियोसिलिया, जब भी साउंड वेव्स आएगी तो ये मूव करेंगे, ये मूव करेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है ना, और मूव करने से संवेदना इसमें अंदर चली जाएगी। अब अगर हम इनको इनको इमेजिनेट करना चाहते हैं तो ये देखो स्टीरियोसिलिया ये रहा और ये रही सेंसरी सेल, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया स्टीरियोसिलिया और इन्हीं को सेंसरी एयर कहते हैं, ये रही सेंसरी सेल, और ये इसके बेस से वो निकलती है नर्व, इसके बेस से नर्व निकलती है जिसे एफरेंट नर्व कहते हैं, क्या बोलेंगे, एफरेंट की फ्रंट, एफरेंट नर्व, दिस इज नोन एज एफरेंट नर्व। बताओ बेस से निकल रही कि टिप से, बेस से निकल रही कि टिप से, जबकि उसके अपेक्स पर क्या पाए जा रहे हैं, स्टीरियोसिलिया कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन एपेक्स, एपेक्स यानी ऊपर, एपेक्स यानी ऊपर, शीर्ष शिखर टिप, ठीक है ना, और ये एफरेंट नर्व कहां से निकल रही है, फ्रॉम बेस, ये निकलती है फ्रॉम बेस, ये बेस से निकल रही है, फ्रॉम बेस, बेस से निकल रही है, याद रखिएगा। बताओ ऑर्गन ऑफ गॉटी का दूसरा नाम हियरिंग एपरेटस, हियरिंग एपरेटस जो है ये कहां प्रेजेंट होता है, रेजनर मेम्ब्रेन पर कि बेसलर मेम्ब्रेन पर, और फॉर्मूला क्या है, हमने दिल्ली से टॉर्च मंगाया और चमकाया, पहली सेल का नाम था हैंसन सेल, दूसरी का नाम था डीटर सेल, दोनों सपोर्टिंग सेल होती है, ठीक है ना, फिर तीसरा बताया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है विच इज थिन एंड इलास्टिक, और चमकाया से बनेगा, और से ऑर्गन याद रहेगा, चमकाया से सी आर है कॉर्टी याद रहेगा, ये सब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के भाग है। फिर बताया यहाँ पे स्पेशल सेल होती विच इज नॉट गिवन इन द फॉर्मूला, तो वो थी सेंसरी सेल विद सेंसरी एयर, दैट इज दैट हैव स्टीरियोसिलिया, स्टीरियोसिलिया लार्ज सिलिया जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, संवेदना को रिसीव करते हैं। अब स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट एट द एपेक्स व्हाइल फ्रॉम द बेस एफरेंट नर्व्स अराइज, एफरेंट नर्व्स कम्स आउट या इमर्ज आउट, इज दैट क्लियर, तो कॉक्लिया को आप लोगों ने समझ लिया, कॉक्लिया और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है ना, किससे मदद करता है ये, हियरिंग में, प्राइमरी रोल के सेकेंडरी रोल, सेकेंडरी रोल, एक बार देख लेते हैं फिर से, कॉक्लिया वेस्टिबुलर एपरेटस के नीचे होता है, क्वाइल्ड होता है, और मॉडिफिकेशन ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बाहर बोनी लैबिरिंथ, अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, फिल्ड विद द पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, तीन चैंबर दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम है रेजनर, नीचे वाली का नाम है बेसलर, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहां बेस्ड होता है, बेसलर मेम्ब्रेन पर, कितने चैंबर है, इस चैंबर का नाम स्केला वेस्टिबुली, दिस इज स्केला मीडिया, दिस वन स्केला टिम्पैनी, ठीक है ना, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहां पे प्रेजेंट है, स्केला मीडिया में, वो भी रेजनर मेम्ब्रेन की तरफ की बेसलर मेम्ब्रेन की तरफ, और मैंने आपको बताया कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है वो बेस्ड है बेसलर मेम्ब्रेन पर, और इसमें ये सारी सेल होती है, और मैंने बताया सेंसरी सेल होते हैं विद सेंसरी हेयर्स, और स्टीरियोसिलिया बोलते हैं उन हेयर को, स्टीरियोसिलिया बड़े होते हैं, संवेदना को रिसीव करते हैं, जैसे संवेदना को रिसीव करेंगे संवेदना चली जाएगी एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व बेस से निकलती है, व्हाइल स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट ऑन द एपेक्स पार्ट यानी शिखर पे प्रेजेंट होते हैं, इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, बताओ स्केला वेस्टिबुली है ना ये, स्केला वेस्टिबुली टर्मिनेट विद, हाँ यानी इसके अंतिम भाग पे क्या होता है, ओवल विंडो, जबकि स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट विद, और राउंड विंडो किसी से जुड़ी नहीं होती, जबकि ओवल विंडो इज कनेक्टेड विद स्टेपीज, इज दैट क्लियर। अब आगे, अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जैसा कि पहले हम जानते हैं हियरिंग इज सेकेंडरी रोल ऑफ ईयर, प्राइमरी क्या था, बैलेंसिंग, तो क्या कैसे होगा ये हियरिंग, कैसे करेंगे हम लोग, साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स ऑफ ऑडिबल रेंज,
ऑडिएबल रेंज, साउंड वेव्स ऑफ ऑडिएबल रेंज, यानी सुनने योग्य साउंड वेव्स। अब मैं बिल्कुल धीरे बोलूं तो क्या आपको सुनाई पड़ेगा? नहीं है ना, तो एक सुनने योग्य वाली साउंड वेव्स आई। साउंड वेव्स आई तो पहले कहां पे? रिसीव्ड बाई, किसने रिसीव किया बताओ? ईयर पिन्ना, याद आया? ईयर पिन्ना कहां पे भेज दिया गया? टू ई ए एम, ई एम मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, कान की नली। कान की नली से कहां चली गई? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो समझना चली जाएगी मैलियस से इनकस, इनकस से कहां चली गई? स्टेपीज, स्टेपीज किस विंडो से जुड़ा था? तो ओवल विंडो में संवेदना चली गई, ओवल विंडो से लिम्फ में आ गई, लिम्फ में वेव पैदा हो गई, लहर वेव पैदा हो गई। जब लिम्फ में वेव पैदा होगी तो बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी, ठीक है ना? बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगा डुलेगा, बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगा डुलेगा, रिपल, इससे क्या होगा? रिपल प्रोड्यूस होगा। रिपल मतलब होता है हल्की सी लहर, हल्की सी लहर पैदा होगी कहां पे? बेसिलर मेम्ब्रेन। झंझनाहट या लहर पैदा होगी कहां पे? रिपल प्रोड्यूस्ड इन बेसिलर मेम्ब्रेन। जब रिपल प्रोड्यूस होगी बेसिलर मेम्ब्रेन में तो देखो होता क्या है, इमेजिनेशन करें तो ये रही बेसिलर मेम्ब्रेन, इस पे है बहुत सारे, ये देखो ये, और ये स्टीरियो सीलिया, ये अगल बगल सपोर्टिंग सेल है, ये मान लिया ये सपोर्टिंग सेल है, ठीक है, किसी एक को। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये ऐसे हिलने डुलने लगी, झंझनाहट सी पैदा हो गई, लहर पैदा हो गई, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। ऊपर की तरफ प्रेजेंट है क्या? ऊपर की तरफ प्रेजेंट है यहां से एक पतली और इलास्टिक मेम्ब्रेन, याद है कौन सा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, थिन और इलास्टिक था कि थिक और इलास्टिक? अब जरा सोचो यहां पे क्या भरा हुआ है? सब फ्लूड भरा हुआ है, बताओ, फ्लूड भरा हुआ है। तो संवेदना पहले आई यहां पे लिम्फ में, लिम्फ ने इसको हिलाया डुलाया, रिपल प्रोड्यूस हुआ, बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, तो बताओ स्टीरियोसीलिया इससे प्रेस होंगे, स्टीरियोसीलिया इससे टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो ये मेम्ब्रेन इलास्टिक है, ये इसको मूव करेगी, संवेदना मिल जाएगी, बोलो संवेदना मिल जाएगी ना, संवेदना मिल जाएगी, और संवेदना फिर चली जाएगी कहां पर? यहां से होते हुए, ये कौन सी नर्व थी? एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व, समझ में आई बात? संवेदना चली गई एफरेंट नर्व, मतलब जब जब पहले बेसिलर मेम्ब्रेन ऐसे झंझनाया या ऊपर नीचे उसमें तरंगे पैदा हुई तो ये स्टीरियोसीलिया ने प्रेस किया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ने इसमें क्या कर दी? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। एक्शन पोटेंशियल जानते हो ना, किसी चैप्टर में पढ़ा था, क्या होगा? यानी सीलिया, सीलिया प्रेस्ड स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया प्रेस्ड अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इससे क्या हो जाएगा? इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं इंपल्स, है ना, इज जनरेटेड। और आपको पता, अगर इंपल्स कहीं पैदा हुई तो आगे भी बढ़ेगी, अब वो आएगी एफरेंट नर्व में, एफरेंट नर्व से कहां चली जाएगी? मैं इधर थोड़ा बना रहा हूं, उधर जगह नहीं है। एफरेंट नर्व से कहां चली जाती है? ऑडिटरी नर्व, एर्थ क्रैनियल नर्व, ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व
एर्थ क्रैनियल नर्व कहलाती है, एर्थ क्रैनियल नर्व। यहां से चली जाएगी टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, और यहां पे आने के बाद क्या होगा, ब्रेन इसे एनालाइज करेगा, एनालाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज द साउंड, रिकॉग्नाइज द साउंड। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा हमने किसकी आवाज सुनी है, जो हमारी मेमोरी में होगी तो पता चल जाएगी। अगर मैं आपको अमिताभ बच्चन जी की आवाज सुनाऊं तो पता चल जाएगा ना किसकी आवाज है ना, क्लियर है ना। अगर मैं किसी की भी आपको आवाज सुनाऊं जो जिससे आप परिचित हो तो आपको पता चल जाएगा। आपके मम्मी की आवाज आपको सुनाई दी जाए, सुनाई जाए तो आप पता कर लोगे, पापा की आवाज सुनाई दे जाए पता कर लोगे, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो इवन क्या होता है कि जिससे हम लोग, जिसको हम लोग पहचानते हैं जानते हैं, जो हमारी मेमोरी में होता है, वो आवाज हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सही है ना। अगर मेरी वॉइस आपको सुनाई पड़ रही है ये, तो आप मेरी वॉइस आप पहचान जाओगे कि मेरी वॉइस है या किसी और की वॉइस है, राइट है ना। तो इस तरीके से हमें साउंड वेव सुनाई पड़ती है। एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं, साउंड वेव्स आई रिसीव्ड बाय, किसने रिसीव किया, ईयर पिन्ना ने, और ईयर पिन्ना ने रिसीव करने के बाद ईएम को दे दिया, ईएम ने ईयर ड्रम को, फिर मैलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपेस, फिर ओवल विंडो, ओवल विंडो से लिम्ब में वेव्स पैदा हुई, वेव्स ने बेसलर मेम्ब्रेन में रिपल पैदा कर दी, रिपल यानी हल्की सी झंझनाहट, झंझनाने का मतलब वाइब्रेट होने लगी, जब वाइब्रेट होने लगा तो ये हेयर सेल टकराए किससे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराने के बाद इंपल्स जनरेट हो गई, इंपल्स को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, इंपल्स जनरेट हुई, इंपल्स जब जनरेट हुई तो संवेदना नर्व में आगे बढ़ेगी, नर्व में आगे बढ़ते हुए ऑडिटरी नर्व में चली जाएगी, ऑडिटरी नर्व से ऑडिटरी एरिया में चली जाएगी। याद करो यहाँ विजुअल एरिया होता है और यहाँ ऑडिटरी एरिया, याद है, तो यहाँ ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चली जाएगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ये पता लगा लिया जाएगा कि हमने किसकी आवाज सुनी है, बच्चे की, बूढ़े की और एडल्ट की, ये भी पता लग जाता है, मेल की सुनी है कि फीमेल की। आपकी मेमोरी में नहीं भी है तब भी तो इतना तो सुन के बता ही दोगे ना कि आप बच्चे की है कि बड़े की बूढ़े की, है ना, मेल की है कि फीमेल की, ये भी पता लगा लेंगे। क्यों, इतना हम लोगों को सुनते सुनते आइडिया हो जाता है, हमारी मेमोरी में ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर हम शेर की आवाज आपको प्ले करके सुनाएं तो क्या बोलोगे, हाथी की है। अगर हम बिल्ली की सुनाएं तो क्या बोलोगे, शेर की है। अगर हम आपको घोड़े की आवाज सुनाएं तो बताओ क्या बताओगे, ऊंट की है। नहीं, जिसकी आवाज होगी वही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि ये सब आपकी मेमोरी में स्टोर है और आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन इसे एनालाइज कर लेता है और हमें ये बता देता है कि आपने किसकी आवाज सुनी है, घोड़े की, हाथी की, ठीक है ना, या हाथी घोड़ा पाल की। तो देखो पहले साउंड वेव यहां आई, साउंड वेव यहां आई, साउंड वेव को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया, साउंड वेव कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराई, ईयर ड्रम से फिर मैलियस से इनकस, इनकस से स्टेपीज, स्टेपीज से ओवल विंडो, ओवल विंडो से ये पहुंच जाएगी लिम्फ में, और लिम्फ में जब ये लिम्फ में पहुंचेगी तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर था, पहले कहां पे जाएगी, जब लिम्फ में जाएगी तो पूरे लिम्फ में फैल जाएगी, ठीक है ना, और उससे वेस्लर मेम्ब्रेन मूव वो रिपल प्रोड्यूस करेगी, वेस्लर मेम्ब्रेन जैसे रिपल प्रोड्यूस करेगी, बना के बताया था कि जो सेल्स हैं उसके जो सेंसरी एयर हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराएंगे, और जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल विल बी ट्रांसफर थ्रू द एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व आगे कहां पे जुड़ी हुई है, ऑडिटरी नर्व यानी एर्थ क्रैनियल नर्व, और एर्थ क्रैनियल नर्व जाके इसे कहां पहुंचा देगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स इसे आवाज को डिकोड कर लेगा, पता लगा लेगा कि वो किसकी आवाज है। कभी कभी देखते नहीं हो कुछ गेम्स होते टीवी पे, तो बोलते हैं आवाज पहचानो, चेहरा पहचानो, है ना, दो चेहरे को मिक्स कर देते हैं, बोलते बताओ किसके किसका है, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का मिक्स कर दिया, दो एक्ट्रेस का कर दिया, बोले बोलते किसका किसका है,
तो पता लगता है वो एक है कैटरीना का, एक है दिशा पाटनी का, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चेहरे मर्ज कर देते हैं, सही है कि नहीं। तो देखो ये वेस्टिबुलर एपरेटस था। वेस्टिबुलर एपरेटस का काम क्या था? बैलेंसिंग। और ये देखो नीचे वाला भाग हियरिंग, नीचे वाला भाग था हियरिंग। सारी बातें क्लियर? एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहती है। देखो क्या लिखा है, द फ्लूड फील्ड इनर ईयर। इनर ईयर पे हमारा सारा ध्यान है। हमारा सारा ध्यान कहाँ पे है? इनर ईयर पे। और बहुत नाजुक था कि बहुत रफ एंड टफ था? नाजुक होता है। तो पहले हड्डी वाली कवर की पहले मेम्ब्रेन वाली? हड्डी वाली। हड्डी वाली का नाम, हाँ। तो फ्लूड फील्ड कह रहा है फ्लूड द्वारा भरा हुआ है, इनर ईयर होता है। और नाम है लेबरिंथ। क्या नाम है? लेबरिंथ। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, बताओ। पहला वाला बोनी लेबरिंथ, अंदर वाला मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। इज दैट क्लियर? बताओ इनर ईयर के लिए हमने दो नाम दिए, बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। मतलब इनर ईयर के लिए हम शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं क्या? लेबरिंथ। लेबरिंथ कितने प्रकार के होते हैं? बाहर वाला, अंदर वाला, राइट। बोनी लेबरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल। मैंने बोला था ये बहुत सारे हड्डियों के चेन का बना होता है, चेन यानी चैनल। बहुत सारे हड्डियों का चैनल था जो जुड़ जुड़ करके बोनी लेबरिंथ बनाता है, ठीक है ना। लिखा इनसाइड दिस चैनल, इस चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ प्रेजेंट है। बोलो सही है। मतलब बोनी लेबरिंथ के अंदर कौन प्रेजेंट है, या फिर यू बोलो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बाहर क्या प्रेजेंट है? बोनी लेबरिंथ। इज दैट क्लियर? कह रहा है और घिरा हुआ है पेरिलिम। कौन? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ घिरा हुआ है पेरिलिम। लेकिन बोनी लेबरिंथ के अंदर क्या है? पेरिलिम। बात तो एक ही है। अरे इस रूम के बाहर क्या है, या फिर बाहर के इस रूम के बाहर क्या है, या रूम में क्या है? तो दोनों का अलग अलग सेंस हो जाएगा ना। देखो जैसे यहाँ पे देखो, कह रहा है बोनी लेबरिंथ हड्डी का बना था, और ये हड्डियों के चैनल जो होते हैं ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ को घेरते हैं, और इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है एक फ्लूड, फ्लूड का नाम है पेरिलिम, ठीक है ना। तो बताओ एंडोलिम कहां भरा हुआ था? मेम्ब्रेनस में। पेरिलिम कहां भरा था? बाहर। तो बताओ बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच और मेम्ब्रेनस के अंदर एंडोलिम, अच्छे से हम लोग ने पढ़ा हुआ है। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फिल्ड विद ए फ्लूड कॉल्ड एंडोलिम। देखो वही बात आ गई। अच्छा क्वाइल पोर्शन ऑफ लेबरिंथ, क्वाइल बिना देखे बताओ। हाँ कॉक्लिया। क्या नाम है? कॉक्लिया। क्वाइल पार्ट का नाम क्या था? कॉक्लिया। कॉक्लिया मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया। कितनी मेम्ब्रेन थी फिर बिना देखे बताओ? दो, एक थी रिजनर और एक थी, देखो पूरी एनसीईआरटी फिंगर टिप पे आ गई कि नहीं आ गई। और एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन नहीं आती है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आता है, चाहे मैचिंग का हो, चाहे फिगर बेस्ड हो, चाहे वो एसर्जन रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप का हो, कोई भी होगा, ठीक है ना। रेजनर एंड बेसलर मेम्ब्रेन, एक रेजनर मेम्ब्रेन और एक बेसलर मेम्ब्रेन, ठीक है। डिवाइडेड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लेबरिंथ इनटू द अपर स्केला वेस्टिबुली। कह रहा है कि जो चारों तरफ, भाई मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर तो एंडोलिम भरा था और बाहर चारों तरफ क्या भरा होता? पेरिलिम। कह रहा है इसकी वजह से हमें तीन चैम्बर दिखाई दे रहे थे, तो मैंने भी आपको दिखाया था। कितने चैम्बर थे? तीन। ऊपर वाला वेस्टिबुली, बीच वाला और सबसे अंदर वाला, राइट। तो देखो जरा कह रहा है अपर वाला स्केला वेस्टिबुली, लोअर वाला टिम्पानी और बीच वाला मीडिया। कह रहा था स्पेस विद इन द कॉक्लिया इज कॉल्ड एज मीडिया, तो इसके अलावा मीडिया था बीच में। फिल्ड विद एंडोलिम एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस पर द स्केला वेस्टिबुली एंड विद द ओवल विंडो। बताओ कॉक्लिया का जहां बेस खत्म हो रहा था वहां पर बताओ दो विंडो थे, एक ओवल और एक राउंडेड। बताओ स्केला वेस्टिबुली एंड विद ओवल विंडो, स्केला टिम्पैनी एंड विद
राउंड विंडो, याद आया दो विंडो थे, तो क्या लिखा हुआ है, स्केला वेस्टिबुली एंड विद ओवल विंडो, ये बात मैंने आपको दिखाया भी था फिगर में। अच्छा व्हाइल स्केला टिम्पानी, स्केला टिम्पानी टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, एंड एट द राउंडेड विंडो विच इज ओपन टू द मिडिल ईयर, दोनों ही मिडिल ईयर में ओपन थे, लेकिन एक बार बताओ, एक फ्री एंड था और एक जुड़ा हुआ था, कौन सा फ्री था, राउंड विंडो फ्री था, कौन सा जुड़ा हुआ था और किससे, ओवल विंडो इज कनेक्टेड विद द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी एंड ईयर, दैट इज स्टेपीज, दैट इज स्टेपीज से जुड़ा हुआ था, इज दैट क्लियर। चलो ये फिगर हमें अब अच्छे से याद है, हमने तो इसको और सरल कर लिया था, हमने इजी कर लिया था, कितने चैम्बर दिखाई पड़ रहे हैं, तीन, इसमें देखो ऐसा लग रहा है कि ये और ये अलग है पूरी तरह से, पर अलग नहीं होता, सही है ना, अलग नहीं होता है, हमने आपको रियल फिगर जैसा होता है वो बताया, ठीक है ना। तो ऊपर वाले चैम्बर का नाम स्केला वेस्टिबुली, नीचे वाले का नाम स्केला टिम्पानी, बीच वाले का नाम, ठीक है ना, इधर कौन से विंडो, इधर कौन से विंडो, राउंड विंडो, राइट। अच्छा ये कौन सी मेम्ब्रेन, रीजनर, ये कौन सी मेम्ब्रेन, बेसलर, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सही है ना, बेसलर मेम्ब्रेन। अब आगे देखिएगा, यहां पे क्या भरा होगा, पेरिलिम्फ, यहाँ क्या भरा होगा, पेरिलिम्फ, यहाँ क्या भरा है, एंडोलिम्फ, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किसके ऊपर प्रेजेंट है, बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। और देखो यहाँ का मैंने जूम करके बनाया था फिगर, बनाया था नहीं बनाया था, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रहा, पर मैंने बिल्कुल क्लियर बनाया था। और ये देखो कौन सी मेम्ब्रेन थी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, फिगर भी क्लियर है अपने को कि नहीं, है ना। अब एक बार पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है, इसकी फीलिंग को समझो। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसलर मेम्ब्रेन, कह रहा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहां प्रेजेंट होता है, बेसलर मेम्ब्रेन पर, क्या मैंने ये बात बताई थी आपको, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ विच कंटेन हेयर सेल्स, कहता है इसमें हेयर युक्त सेल होती है, सही बात है, सेंसरी हेयर विद सेंसरी सेल, सेंसरी सेल विद सेंसरी हेयर, याद आ रहा है, दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स, कह रहा है ये यही तो साउंड वेव को रिसीव करेंगे, फाइनली साउंड वेव इसी ने रिसीव की थी, याद करो, याद करो, ठीक है ना। हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन द रो ऑन द इनर साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, कह रहे हेयर सेल जो होते हैं वो अंदर की तरफ है कॉर्टी के, अंदर क्यों बोल रहा है, क्योंकि बाहर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहर क्या थी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसलिए इनर साइड पे। बेसल एंड ऑफ हेयर, बेसल यानी नीचे वाला एंड, बिना देखे बताओ नीचे वाले एंड की तरफ ले जा रहा है, क्या क्या कहना चाहता है आपसे, कि नीचे से एक नर्व निकलेगी, नाम बताओ, एफरेंट नर्व, याद आया, ऊपर से हेयर सेल्स और नीचे से, याद आया, तो कह रहा है देखो अब कितना, एक भी लाइन छूट रही तो बताओ, छूटेगी इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग रटते नहीं, क्योंकि हम लोग लॉजिकली चीजों को समझते हैं फिगर से चीजों को, ठीक है ना, और जो होता है सेम टू सेम लाइन मिलती है हम लोगों को। देखो क्या कह रहा है, बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर, बेसल नर्व से ही एफरेंट नर्व फाइबर जुड़ा हुआ है। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया, कह रहा है स्टीरियोसीलिया एपेक्स से निकलेगा, ये देखो वही जो हेयर है उन्हीं को वो बोल रहा है स्टीरियोसीलिया, एपेक्स मतलब सीड्स, बताया था कि नहीं बताया था, बना के बताया था कि नहीं, ठीक है ना। ऑफ ईच हेयर सेल, बोलते हर एक हेयर सेल से स्टीरियोसीलिया निकलेगा। अबव द रो ऑफ हेयर सेल, हेयर सेल के ऊपर एक पतली और लचीली मेम्ब्रेन थी, नाम बताओ, और हमने तो फार्मूला भी बताया था, हमने दिल्ली से टॉर्च मंगाया, और यानी हैंसन सेल थी, डीटर सेल थी, दोनों सपोर्टिंग थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी होती है और थिन और इलास्टिक होती है, लचीली होती है, और जैसे संवेदना आता है तो या मैंने स्पेशल सेल बताई थी, सेंसरी सेल विद सेंसरी हेयर, और सेंसरी हेयर के ऊपर क्या थे, स्टीरियोसीलिया, और स्टीरियोसीलिया ही क्या करते, संवेदना को रिसीव करते थे, ठीक है, और दे एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर। अब देखो इनर ईयर यानी इनर ईयर यानी इंटरनल ईयर एक ही बात है, इंटरनल ईयर में एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, नाम बताओ, वेस्टिबुलर एपरेटस, ये कहां था, लोकेटेड अबव द कॉक्लिया, कल पढ़ा चुका हूं, लोकेटेड अबव द कॉक्लिया। वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ, तीन तो होगी सेमी सर्कुलर कैनाल,
और दूसरा था याद करो ऑटोलिथ। ऑटोलिथ में क्या है, ऑटोलिथ में कुछ हेयर होते हैं, हमने लास्ट टाइम बताया था, इन हेयर को मैकुला बोलते हैं। मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूलन यूट्रिकल। अब ये सेक्यूलन यूट्रिकल क्या, इसमें दो भाग थे ना, ऊपर वाला यूट्रिकुलस, नीचे वाला सेकुलस। सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर है, यूट्रिकुलस सेकुलस सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म में बोला जा रहा है, यूट्रिकल सेक्यूल प्लूरल फॉर्म में बोल रहे हैं। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल डिफरेंट प्लेन पे थी, कितने एंगल पे, राइट एंगल टू इच अदर। मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी कैनाल। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा है, कह रहा है यहां भी बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ थी, वो तो मैंने फिगर बना के बताया था आज स्टार्टिंग में, इसे किया था, दोबारा रिवाइज कराया आपको। बेस ऑफ कैनाल इज, जो सेमी सर्कुलर कैनाल थी उसका बेस फूला हुआ था, फूले हुए हिस्से को क्या नाम दिया था, एम्पुला। विच कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज, उसके अंदर भी कुछ सेल थी, हेयर सेल थी, नाम बताइए, क्रिस्टा एम्पुलरिस। और सेक्यूले और यूट्रिकल के अंदर भी हेयर होते हैं, उनका नाम मैकुला। क्रिस्टा हो या मैकुला हो, इनका काम एक ही होता है, ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पॉस्चर। ये वर्ड मैंने आते आते बोला था, बोलो क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है। अब आज जो हमने अभी पढ़ा रिसेंटली, कॉकलिया वगैरह पढ़ा दिया आपको, और ये अभी अभी पढ़ा है रिसेंटली, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, वो यहां से स्टार्ट होता है। एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स द साउंड वेव, एक्सटर्नल ईयर से आएगा, एक्सटर्नल ईयर उसे डायरेक्ट कर देगा किधर, ईयर ड्रम, मतलब डायरेक्ट करने का मतलब पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा, ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा इन द रिस्पॉन्स ऑफ साउंड वेव, क्या ये वर्ड मैंने लिखा था, लिखा था। अब ये वाइब्रेशंस कहां चली जाएंगी, चली जाएंगी ईयर ऑस्कल मैलियस इनकस स्टेपीज से होते हुए कौन से विंडो पे, ओवल विंडो से। वाइब्रेशंस ओवल विंडो से पास हो जाएगा कहां पे, फ्लूड में, फ्लूड ऑफ कॉकलिया, फ्लूड ऑफ कॉकलिया यानी लिम्फ में पास हो जाएगा। व्हेन दे आर जनरेटेड ए वेव इन द लिम्फ, तरंगे पैदा हो गई किसमें, लिम्फ में, पहले तरंगे पैदा हुई लिम्फ में, इसकी वजह से झंझनाहट पैदा हुई कहां पे, बेसलर मेम्ब्रेन। अब देखो वही बात आ जाएगी, वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस द रिपल यानी झंझनाहट, कहां पे पैदा हो गई, बेसलर मेम्ब्रेन, बोलो, लहर पैदा हो गई और तेज। फिर दीज मूवमेंट ऑफ बेसलर मेम्ब्रेन बेंट द हेयर सेल, कह रहे हैं इसके मूवमेंट की वजह से हेयर सेल बेंट हो गई, क्यों, क्यों बेंट हो गई, क्योंकि टकराई किससे, टकराई ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लिखा, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्यों मुड़ गई हेयर सेल, क्यों मुड़ गई, क्योंकि ऊपर टकरा गई, कौन किससे टकराई, पतली और लचीली मेम्ब्रेन, नाम बोलो, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। अच्छा टकराई तो परिणाम क्या होगा, नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया, एंड नर्व इंपल्स जनरेट हो गया इन द एसोसिएशन ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, बोलते नर्व इंपल्स जनरेट हुआ तो इससे जुड़ी हुई थी एफरेंट न्यूरॉन, यानी इंपल्स आगे चला गया। दीज इंपल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर, कह रहा है ये आगे बढ़ा एफरेंट फाइबर में, एफरेंट फाइबर से कहां पहुंचा, नंबर बोलो, एर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, वहां से कहां पहुंचा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, यहां होता है, कहां होता है, यहां टेम्पोरल रीजन में, विजुअल कॉर्टेक्स यहां होता है, ये यहां होता है, याद आया, क्लियर है। फिर आगे वेयर द इंपल्स आर एनालाइज्ड, उसको जांचा गया साउंड को और पहचान लिया गया कि किसकी आवाज थी, मेल की कि फीमेल की, कि बच्चे की, किसकी आवाज थी, ठीक है ना, वो आवाज हमारी मेमोरी में है कि नहीं है, है तो हम क्रैक कर लेंगे, नहीं है तो हमारी ब्रेन उसे स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर।